जय माता दी। दोस्तों दोस्तों मैं आज आ गया हूँ महामाई चिंतपुर्णी के दरबार में। तो दोस्तों यहाँ पर्ची मिलती है दर्शन के लिए बाबा श्री माई दास सदन, और सामने देख रहे हैं आप जैसे लाइव टेलीकास्ट माता जी के दर्शन हो रहे हैं, और अंदर से यहाँ से पर्ची मिलती है। ये देखिए जब अंदर आते हैं अंदर भी एक टीवी लगा हुआ है जिसमें महामाई की लाइव टेलीकास्ट दर्शन कर सकते हैं आप। ये देखिए तो भैया जी यहाँ से मिलती है दर्शन के लिए पर्ची। तो दोस्तों ये पर्ची है जो कि फ्री मिलती है दर्शन के लिए, ये पर्ची आपको आगे लेके जाना पड़ता है। जैसे ही आप पर्ची लेके बाहर आते हैं जो सामने गाड़ी लगी होती है, ये 20 रुपये लेते हैं दर्शन के लिए। जब आप दरबार में जाना है तो एक एक पर्सन का 20 रुपये लेता है, अगर आपने पूरी गाड़ी लेनी है तो 100 रुपये लेंगे दो बंदे का। तो दोस्तों ये है चिंतपुर्णी का बस स्टैंड। ऊपर ये जो पार्किंग देख रहे हैं ये बहुत महंगी है, आप कोई भी धर्मशाला होटल आते हैं वहीं पर गाड़ी करके आप पैदल दर्शन के लिए जाएं, ये 1 घंटे के हिसाब से आपके चार्जेस लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा है। पहले से बहुत साफ़ सुथरा हो चुका है बस स्टैंड, पहले यहाँ पर बहुत गंदगी होती थी, अब बहुत ही नीट एंड क्लीन है चिंतपुर्णी का बस स्टैंड। भैया जी मैं जब भी चिंतपुर्णी आता हूँ तो अम्बरसरी ये वैष्णो ढाबा ऊपर है और नीचे प्रसाद मिलता है, और यहीं से रास्ता ऊपर को जाता है। जय माता दी पाजी, क्या हाल चाल है पाजी। तो दोस्तों यहाँ से हम प्रसाद लेते हैं और ये रास्ता जाता है ऊपर को। हमने ले लिया प्रसाद, माता की चुनरी, कुछ फूल, कुछ हलवा और कुछ ये सामान माता रानी का, और चलिए चलते हैं माता के दरबार में। जैसे मैंने आपको बताया था ये जाता है रास्ता माता के दरबार में। तो भैया जी ये है अम्बरसरी वैष्णो ढाबा जो कि नीचे लिखा है, मैंने आपको दिखाया था। ये लो भैया जी, भैया जी माँ के दर्शन कर लिए हैं। चलिए मैं आपको टाइम बता देता हूँ, सुबह 5:30 बजे माँ का दरबार खुलता है सर्दियों में, और 12 से 12:30 बजे लेके तब तक माँ को श्रृंगार होता है और माँ को भोग लगता है, इसलिए मंदिर बंद रहता है, और 9:30 बजे रात को दरबार बंद हो जाता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।